टीवी लाइव देख रहे हैं आप। नागालैंड में चिराग पासवान जेडीयू के साथ साथ भाजपा को भी सिखाएंगे सबक। जी हाँ, नागालैंड में चिराग पासवान भले ही भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने नागालैंड में चुनाव लड़ने की घोषणा करके कहीं न कहीं भाजपा को इशारों के इशारों में सख्त संदेश दे दिया। दरअसल नागालैंड विधानसभा चुनाव को कई बिहार विधानसभा चुनाव समझ ले, नागालैंड विधानसभा चुनाव को कोई बिहार विधानसभा चुनाव समझ ले तो ये कोई अचरज भरी बात नहीं होगी। इसकी एक वजह ये है कि बिहार की लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियां नागालैंड में भी हाथ आजमाने वाली है, लेकिन नागालैंड में चिराग पासवान ने मजबूती से कदम बढ़ाकर कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ साथ भाजपा को भी कड़ी नसीहत देने का काम किया। जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा ने अभी तक चिराग पासवान को औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल नहीं किया है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चिराग पासवान का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन अब पार्टी उन्हें इसका रिवॉर्ड नहीं दे रहे। इसी बीच नागालैंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई और चिराग पासवान ने भी ऐलान कर दिया कि पार्टी यहां मजबूती से चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसे सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी जहां भाजपा अपने प्रत्याशी उतार रही। जाहिर सी बात है कि इसका मनोवैज्ञानिक लाभ भाजपा को मिलेगा, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर भाजपा इसी तरह से चिराग पासवान के साथ भेदभाव करती रहेगी तो कब तक वह भाजपा के खिलाफ नरमी बरतते हुए नजर आएगी। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान ही चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ नर्म नजर आए, लेकिन पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बचवाने के लिए चिराग पासवान से किनारा कर दिया। हालांकि अब भाजपा का जेडीयू के साथ गठबंधन है, लेकिन अभी भी भाजपा चिराग पासवान के साथ खुलकर गठबंधन करने से कतरा रही है। इस पर आलोचकों का ये कहना है कि भाजपा चुनावों में चिराग पासवान का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल तो कर लेती है, लेकिन पार्टी चिराग पासवान को कोई भी फायदा देने से पीछे नजर आ रही है। जी हां, सिर्फ ले रही है, दे नहीं रही है। हालांकि केंद्र के द्वारा चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से चिराग पासवान को अभी तक भाजपा की तरफ से कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया। ऐसे में आलोचकों का ये कहना है कि अगर भाजपा इसी तरह से चिराग पासवान के साथ भेदभाव करती रही तो अगली चुनावों में भाजपा को भी चिराग पासवान के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। जाहिर है होगा ही, जो पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि नागालैंड में चिराग पासवान की सक्रियता भाजपा के लिए कड़ी चुनौती के समान है। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिएगा नमस्कार।